जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन करने वाले क्लास ट्वेल्थ का दोस्तों जो बालाजी की बुक से हम लोग मैथ का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों वो एक्सरसाइज आज अध्ययन करेंगे 13.2 का। इसके पहले के वीडियो में लोग दोस्तों सीरियल में सीरियल अध्ययन करते आ रहे हैं। इसके पहले के वीडियो में 13.1 का अध्ययन कर लिया है, उसके पहले के वीडियो में 12 का सभी अध्ययन कर लिया है। अगर आप लोग सीक्वेंस पढ़ रहे हो तो आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। अगर नहीं पढ़ रहे हो सबसे पहले बैक जाकर वो वीडियो देखिए। अगर वो वीडियो नहीं मिलता है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, प्लेलिस्ट में जाकर क्लास ट्वेल्थ का जो वीडियो है उसमें जाकर आप लोग मैथ का जो बालाजी का प्रकाशन है इसके आप लोग पढ़ के आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ और बता दें कि अगर आप लोग कोई भी टॉपिक कोई भी सब्जेक्ट यानी पढ़ रहे हो तो लास्ट में उसका आंसर जरूर पढ़ना और अधिक से अधिक टेस्ट देना, क्योंकि टेस्ट से सबसे अधिक तैयारी होती है। ठीक है, पढ़ने से और टेस्ट से बहुत अंतर होता है, पढ़ने से टेस्ट से सबसे अधिक तैयारी होती है। इसलिए टेस्ट जरूर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, जब भी हम टेस्ट लिया करें आप लोग जरूर उस दिन फ्री रहिएगा और उस दिन नेट मत खर्च कीजिएगा। उससे पहले एक दिन पहले मैं बता दूंगा कि इस दिन आप लोगों का टेस्ट होना है। ठीक, अब दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीजों से यानी कुछ फार्मूले से परिचित करा देते हैं कि तीन फार्मूले का हम लोग यूज करने वाले हैं। dx / a स्क्वायर + x स्क्वायर, ये फार्मूला होता है 1 / a tan इनवर्स x / a + c। जैसे दोस्तों आप लोगों ने इससे पहले फार्मूला हम लोग तैयार कर चुके हो कि 1 / 1 + x स्क्वायर तो वो tan इनवर्स x का होता था, तो उसी की जगह a स्क्वायर आ गया, तो बस यहाँ पर a और यहाँ पर है। अब साइन इनवर्स इंटीग्रेशन में तो वही फार्मूला यहाँ पर है, बस यहाँ पर a स्क्वायर आ गया तो यहाँ पर a आ गया। जो sec इनवर्स का है वही फार्मूला ये है, बस यहाँ पर a आ गया। बस जो sec इनवर्स का है, जो tan इनवर्स का है, जो sin इनवर्स का है वही फार्मूला है, बस a एक्स्ट्रा आ गया इसलिए यहाँ पर a। ध्यान रखना कि साइन 1/a नहीं होता है, बाद में सब में x / a होता ही है। अब देखिए जो आपको पहला क्वेश्चन आपके पास इस प्रकार से लिखा गया है, इंटीग्रेशन 1/1 + x² dx यहाँ पर x है। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान देना, इसके पहले के वीडियो जो था उसमें हमने आपको बताया था कि हमेशा ध्यान रखना कि नीचे वाले को मानते हैं, तो नीचे वाले क्यों मानेंगे और क्यों मानेंगे वो भी बता देते हैं आपको पहले। तो उसको पहले आपको ये बताते कि मान के दिखाते हैं कि माना 1 + x² = t। अब प्रतिस्थापन विधि का अगर वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा दोस्तों। सबसे पहले इसको देखिए, जिसका भी मानते हैं उसका क्या करते हैं अवकलन, तो ये हो गया हमारा 0 + x² का अवकलन 2x और dx = dt। ये dx और dt कैसे यहाँ पर आता है हमने इसके पिछले का वीडियो बताया था, वहाँ पर जाके आप लोग आसानी से तैयार कर लीजिए। नहीं तो बस आप लोग के माइंड में यही सेव रखोगे कि dx = dt और जिंदगी में कभी सीख नहीं पाओगे फिर ये कहाँ से dx और dt आ रहा है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 0 का मतलब कुछ नहीं, तो ये हो गया 2x dx = dt। 2 को इसके बटे में पहुँचा दो तो x dx = 1/2 dt। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना कि ये जो x और ये dx है, इतने की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, इतने की जगह दोस्तों हम लोग लिखेंगे 1/2 को बाहर लिखेंगे हमेशा। क्यों बाहर लिखते हैं इसके पहले के वीडियो बताया था अभी हमने, तो dt बटे ये हो गया 1 + x² की जगह लिखेंगे t। ठीक, अब इसके बाद हमने आप लोग फार्मूला जानते ही हो कि यहाँ पर एक फार्मूला यूज़ करने वाले है, वो फार्मूला है 1/x dx जो कि फार्मूला है log x + c का। तो यहाँ पर x की जगह क्या है, t है, तो हम लोग यहाँ पर फार्मूला क्या लगाएंगे 1/2, ये हो गया log t + c। अब यहाँ पर करना क्या है, 1/2 को 1/2 लिखो, log को log लिखो, t का मान लिख लो, t का मान हो गया 1 + x² + c और इसको दोस्तों आप लोग जो आपका ये है इसको फाइनल आंसर कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से रेक्टेंगल ब्रैकेट में हम लोग बंद कर देना और ब्लैक पेन से बंद करना और कापी के जो पेज है उसको बीचों बीच आंसर को रखना, जो कि आप लोगों को दिखने में थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा वहाँ पर। अब देखिए इसका दूसरा पार्ट, ये तो पहले का पहला पार्ट था, अब देखो दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में आपसे ये कहा गया है x sin x² dx।
और आप लोग जानते हैं कि इसको प्रतिस्थापन प्रति से हल करेंगे। प्रतिस्थापन प्रति से क्यों हल करेंगे, क्योंकि साइन एक्स होता है, कॉस एक्स होता है, टेन एक्स होता है, अब उसमें एक्स स्क्वायर आ गया, तो हम लोग किसको लेट कर लेंगे, हम लोग इतने को लेट करेंगे। कितने को लेट करेंगे, मात्र इतने को लेट करेंगे। तो हमने माना एक्स स्क्वायर बराबर टी, इतने को क्यों लेट करेंगे, क्योंकि साइन एक्स होता है, कॉस एक्स होता है, उसमें एक्स स्क्वायर क्यों आ गया, उसी को मानेंगे। तो इसको ध्यान देना कि इसका जब हम लोग अवकलन करेंगे तो अवकलन हम लोग जानते हो कि एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, 2x dx बराबर dt, इसको इसके बटे में पहुंचा देंगे तो एक्स dx बराबर 1/2 dt। अब यहाँ पर समझना आप लोग कि इतने की जगह ये जो आपके पास एक्स है, इस एक्स को हटाएंगे, इस dx को हटाएंगे, इतने की जगह हम लोग क्या लिखने वाले हैं, 1/2 dt, 1/2 dt, एक्स dx, साइन को साइन लिखेंगे और एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, टी डी टी। आप लोग जानते हो कि 1/2 साइन टी का समाकलन होता है माइनस कॉस टी, तो माइनस कॉस टी प्लस सी, तो 1/2 कॉस को कॉस लिखो, टी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, टी की जगह लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस सी। और दोस्तों इसको जो है आप लोग फाइनल आंसर कर लीजिए, इस प्रकार से इसको फाइनल आंसर कर लेंगे। इसका तीसरा पार्ट देखो, तीसरा पार्ट आप लोग कैसे करोगे, तीसरे पार्ट में इस प्रकार से दिया गया है, तीसरे पार्ट में दिया गया है एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। हम लोग जानते हैं कि ई की पावर एक्स होता है, ई की पावर एक्स स्क्वायर कहाँ से आ गया, उसी को मानो, उसी को पहले मानो। तो आप लोग क्या करोगे कि माना एक्स स्क्वायर बराबर टी, और एक्स स्क्वायर का समाकलन अवकलन करेंगे, अवकलन डी एक्स बराबर डी टी, अवकलन में जिसको मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, समाकलन में जिसको मानते हैं उसका अवकलन करते हैं। ठीक दोस्तों, कभी कभी हम लोग थोड़ा सा इसको समझना कि इस प्रकार से, कि अगर अवकलन आपको नहीं समझ में आ रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है, तो इसके लिए अवकलन वाला भी वीडियो आप लोग देख लीजिए, तो इससे अवकलन क्लियर हो जाए। ठीक, तो इसको इसके बटे में पहुँचा दीजिए, तो एक्स डी एक्स बराबर 1/2 dt। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखने वाले हैं, देखो जी, ये जो हमारे पास एक्स है, इस एक्स को हटा के, इस डी एक्स को हटा के, इतने की जगह हम लोग क्या लिखने वाले हैं, 1/2 dt, तो 1/2 e की पावर t और dt, क्योंकि एक्स स्क्वायर की जगह t लिखेंगे, और 1/2 e की पावर x का समाकलन करो, अवकलन करो, वही रहता है, तो e की पावर t प्लस c, तो 1/2 e की पावर t की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे और प्लस c। और दोस्तों इसको जो है हम लोग फाइनल आंसर में कर लेंगे, ये हो गया हमारे पास फाइनल आंसर, तो इसको करेंगे फाइनल आंसर में, तो ये हो गया फाइनल आंसर। अब देखिए इसका चौथा पार्ट, चौथा पार्ट दोस्तों क्या लिखा गया है, चौथे पार्ट में इस प्रकार से लिखा गया है कि x घात 7 बटे 1 प्लस x घात 16 डी एक्स। इसको सबसे पहले बनाओ, x घात 7 है, इसको 1 प्लस x की घात 8 का स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि 8 दुनी 16। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर घात डबल डबल है, अब डबल डबल कैसे, यहाँ पर घात 8 है और 2 भी है, तो एक काम करो 8 वाले को मान लो, तो माना x घात 8 बराबर t। अब ध्यान देना, अवकलन का एक रूल्स होता है, ये रूल्स की उसका फॉर्मूला बता देते हैं जो अब तक हम लोग ये करने आ रहे थे। अवकलन को लिखते हैं डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स मतलब अवकलन, एक्स घात एन, जिसका अवकलन होता है एन, एक्स घात एन माइनस वन, इस फार्मूले के अनुसार हमारे पास एन बराबर 8 है। ठीक, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 8 को एन की जगह 8 लिखेंगे, एक्स 8 - 1 डी एक्स बराबर डी टी, तो ये हो गया 8। एक काम करो 8 को इसके बटे में पहुंचा दो, तो एक्स घात 7 डी एक्स बराबर 1/8 dt। तो यहाँ पर ये जो एक्स घात 7 और डी एक्स, इसकी जगह लिखेंगे हम लोग 1/8 और डी टी बटे 1 प्लस, ये हो गया टी स्क्वायर। और यहाँ पर दोस्तों फार्मूला हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, यहाँ पर फार्मूला, चलो यहाँ पर फार्मूला है नहीं, यहाँ पर फार्मूला यूज़ करेंगे हम लोग 1/1 + x² डी एक्स, जो कि होता है फार्मूला टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो उस फार्मूले के अनुसार यहाँ पर 1/8 टेन इनवर्स एक्स की जगह टी प्लस सी, टी का मान रख लीजिए, जब टी का मान रखेंगे तो 1/8 टेन इनवर्स टी की जगह हम लोग क्या मान रखेंगे,
एक्स घात आठ रखेंगे, तो एक्स घात आठ प्लस सी, और दोस्तों इसको जो दोस्तों है हम लोग फाइनल आंसर में कर लेंगे। तो ये हो गया आपके पास फाइनल आंसर। इसको दोस्तों हम लोग इस सूत्र से भी कर सकते थे, ठीक है। अब देखिए इसका सवाल नंबर दूसरे का पहला आपसे ये लिखा गया है कि यक्ष घात n माइनस वन और इसके बाद कॉस यक्ष घात n dx। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर प्रतिस्थापन विधि से लगाएंगे। अब कॉस की घात x होता है, साइन की घात x होता है, अब यहाँ पर कहाँ यक्ष घात n आ गया, तो यक्ष घात जो n आ गया उसी को मान लो। तो यहाँ पर मानेंगे हम लोग, किसको मान लेंगे, इसको नहीं आना चाहिए था ना यहाँ पर, इसलिए इसी को मान लेंगे। तो माना यक्ष घात n बराबर t, जिसको मानते हैं उसका हम लोग क्या करते हैं अवकलन, और यक्ष घात n का अवकलन होता है n यक्ष घात n माइनस वन, तो ये हो जाएगा n यक्ष घात n माइनस वन dx बराबर dt, n को इसके बटे में पहुंचा दो, तो n माइनस वन dx बराबर एक बटे n dt। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इतने की जगह हम लोग इतना ना लिख कर ये इन दोनों को छोड़ देंगे, अब वहाँ पर एक बटे n और क्या लिखेंगे dt, और cos t dt। cos t का समाकलन क्या होता है, cos t का समाकलन sin t, sin t प्लस c, तो एक बटे n sin t की जगह हम लोग x घात n लिखेंगे, t की जगह x घात n प्लस c, और इसको दोस्तों जो है हम लोग फाइनल आंसर कर लेंगे। तो ये हो गया आपके पास ये फाइनल आंसर। अब ये था दूसरे का पहला, दूसरे का दूसरा में ये लिखा गया है कि साइन अंडर रूट यक्स बटे अंडर रूट यक्स dx। अब दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर समझना कि यहाँ पर साइन x होता है, cos x होता है, अंडर रूट x क्यों आ गया, तो उसी को फिर मान लो केवल। तो हम लोग किसको मान लेंगे, माना अंडर रूट x बराबर t। अब अंडर रूट x का समाकलन कैसे होता है, ये हम लोग समाकलन नहीं इसका अंडर रूट x बराबर t, इसका करेंगे हम लोग अवकलन। समाकलन में जिसको भी मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, तो इसका अवकलन करेंगे, तो अंडर रूट यक्स का अवकलन होता है एक बटे दो अंडर रूट यक्स डी एक्स बराबर डी टी। दोस्तों इसका एक बटे दो डी एक्स, एक बटे दो अंडर रूट एक्स कैसे होता है, इसके पहले का जो 13.1 है उसमें मैंने बताया था, उस वीडियो को देखिए, या तो फिर आप लोग समाकलन का वीडियो जरूर पढ़िए, जिससे कि हमने इसको पूरा डिफाइन करके बताया था कि एक बटे दो अंडर रूट एक्स कैसे होता है, ठीक। तो यहाँ पर ये हो गया एक बटे दो अंडर रूट एक्स डी एक्स, ये अंडर रूट एक्स का समाकलन होता है, अंडर रूट एक्स का समाकलन एक बटे दो अंडर रूट एक्स डी एक्स, इसको इसको ऊपर पहुँचा दो, तो एक बटे अंडर रूट एक्स डी एक्स बराबर दो डी टी। अब ध्यान रखना आप लोग कि इतने की जगह, इन दोनों की जगह देखो डी एक्स बटे अंडर रूट एक्स है, इसकी जगह दो डी टी लिखेंगे हम लोग, तो ये दो लिख दिया हमने, और ये हो गया साइन टी, अंडर रूट एक्स की जगह टी, और ये हो गया डी टी। तो साइन टी का होता है माइनस कॉस टी अवकलन, सॉरी समाकलन प्लस सी, तो माइनस कॉस टी, तो माइनस दो कॉस टी की जगह क्या लिखेंगे हम लोग अंडर रूट एक्स प्लस सी, और इसको दोस्तों हम लोग फाइनल आंसर कर लेंगे। तो ये हो गया हमारे पास। अच्छा ये सवाल हालांकि हम लोग कर लेते हैं, तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि अंडर रूट से ही डरते हैं, अंडर रूट देख कर डरते हैं, इसलिए बता दिया हमने। इसके बाद कॉसिक स्क्वायर एक्स का आप लोग कर लोगे, अंडर रूट एक्स को मान लेना, और अंडर रूट एक्स का अवकलन एक बटे अंडर रूट एक्स हो जाएगा ये दो, और कॉसिक स्क्वायर एक्स जो है माइनस क्वाट एक्स का फॉर्मूला है, हम लोग आसानी से कर लोगे, तो माइनस क्वाट अंडर रूट यानी एक बटे ये दो आ जाएगा, और यहाँ पर क्वाट आ जाएगा, और अंडर रूट एक्स आ जाएगा, माइनस लगा देना प्लस सी लगा देना, आंसर हो जाएगा इसका। तीसरे का पहला भी हालांकि हम लोग कर लोगे, फिर भी तीसरे का पहला इस प्रकार से दिया गया है। यक्ष की घात m माइनस वन बटे अंडर रूट वन माइनस यक्स की घात m dx। अब यहाँ पर ध्यान देना, कभी भी अगर अंडर रूट के अंदर की कोई मान दी जाए तो अंडर रूट के अंदर वाले मान को मान लेना, अंडर रूट के अंदर के मान को हमेशा मान लोगे, तो जब इसको मान लोगे तो माना कि अंडर रूट के अंदर वाले पूरे को मान लो, माना वन माइनस यक्स की घात m बराबर t,
जिसका मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, तो वन का अवकलन जीरो माइनस यम एक्स घात यम माइनस वन डी एक्स बराबर डी टी। देखो इस प्रकार से एक्स घात यन का कहाँ पे बताया था, यहाँ पर मैंने बताया था, यहाँ पर एक्स घात यन हुआ तो यन के जगह केवल यम है तो वही यम होगा, इसको इसका बटे पहुँचा दो, एक्स घात यम माइनस वन डी एक्स बराबर माइनस एक बटे यम डी टी, ये माइनस एक बटे में आ गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इतने के जगह हम लोग क्या लिखने वाले हैं, एक बटे यम डी टी लिखने वाले हैं, तो माइनस एक बटे यम डी टी बटे अंडर रूट टी, क्योंकि पूरे को टी माना, टी को यानी अंडर रूट को हम लोग कैसे लिखते हैं, हमने बताया था कि इसको लिखते हैं हम लोग माइनस एक बटे यम और ये हो जाएगा टी की घात एक बटे टी की घात एक बटे दो डी टी, अंडर रूट का मतलब होता है घात में एक बटे दो, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का एक बटे यम टी की घात माइनस एक बटे दो डी टी। अब इसका हम लोग करेंगे समाकलन, समाकलन में जो भी घात हो, समाकलन में जो भी घात हो उसमें एक जोड़ देते हैं वही बटे में लिखते हैं प्लस सी, तो ये हो गया माइनस एक बटे यम टी की घात, दो एक कम तो दो से एक घट गया एक बटे दो बटे एक बटे दो प्लस सी, तो इसको लिखेंगे हम लोग कैसे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस दो बटे यम, इसको ऊपर ले जाएंगे ना, और इसको लिख सकते हैं अंडर रूट टी, तो अंडर रूट टी और टी का मान क्या है हमारे पास वन माइनस एक्स घात यम प्लस सी, और इसको दोस्तों हम लोग फाइनल आंसर में रख लेंगे, तो ये हो गया दोस्तों फाइनली आंसर तीसरे का पहला। अब देखिए तीसरे का आप लोग दूसरा कर लोगे, अंडर रूट के अंदर जो वन प्लस एक्स स्क्वायर है तो पूरा का पूरा मान लो वन प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी, तो वन का जीरो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा टू एक्स, और आप लोग कैसे करोगे टू एक्स करोगे, आप लोगों का ये सवाल यहीं कहीं लगा हुआ है, देखो यहीं से इसका टू एक्स हो जाएगा ना इसी प्रकार से, तो टू एक्स टू को बटे बता देना एक्स डी एक्स ऊपर बचेगा और डी टी बन जाएगा, ठीक है। और इसके बाद सवाल नंबर तीसरे में देखो आप लोग सवाल नंबर तीसरा लाइक कर लेते, फिर भी यन दिया गया है शायद आप लोग ना कर पाओ बताने के बावजूद भी, देखो सवाल नंबर तीसरा बताते हैं, तीसरा इस प्रकार से दिया गया है कि x ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात n dx, इसमें मान लो किसको मानोगे, इसकी घात n है ना, जिसकी घात कुछ अलग दी जाए गड़बड़ दी जाए कुछ समझ में ना आए उसी को मान लिया करो, माना ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी, तो जिसको मानते उसका अवकलन करते हम लोग, तो ये तो अचर है, इसका अवकलन जीरो एक्स स्क्वायर का अवकलन टू एक्स डी एक्स बराबर डी टी, इसको बटे में पहुंचा दो तो एक्स डी एक्स बराबर एक बटे दो डी टी, तो यहाँ पर ध्यान देना यहाँ पर इतने की जगह हम लोग एक बटे दो क्या लिखेंगे डी टी लिखेंगे, तो एक बटे दो डी टी और ये पूरा का पूरा हो गया टी, तो टी की घात एन डी टी, इसका जब समाकलन करेंगे तो समाकलन में जो भी घात हो उसमें एक जोड़ देते हैं वही बटे में लिखते हैं प्लस सी, तो एक बटे दो यन प्लस वन और टी का मान रख लेंगे, टी का मान क्या है, टी का मान है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात यन प्लस वन प्लस सी, और ये दोस्तों हो गया आंसर, ये हो गया फाइनल आंसर। अब दोस्तों हम लोगों ने तीसरे का तीसरा भी कर लिया है, तीसरे का चौथा में आप लोग एक्स का पाँच माइनस वन को मान लेना और आसानी से कर देना, ठीक। और चौथे वाले में दोस्तों सवाल नंबर चौथा जो है चलो उसको बताना पड़ेगा, तो उससे पहले दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर चौथे का पहला, क्वेश्चन चौथे का पहला में ये लिखा गया है आपसे कि एक्स अंडर रूट में वन माइनस एक्स घात चार डी एक्स, इसको दोस्तों जब करना तो सबसे पहले एक काम करना है, इसको ऐसे लिखना एक्स डी एक्स बटे, इसको लिखो वन माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब इसको लेट कर लो, इसको लेट कर लो, इसको मान लो, तो माना एक्स स्क्वायर बराबर टी और इसका अवकलन करो तो ये हो जाएगा दो एक्स डी एक्स बराबर डी टी, और इसको इसके बटे में पहुंचा दो तो एक्स डी एक्स बराबर एक बटे दो डी टी, तो यहाँ पर एक्स डी एक्स की जगह आप लोग एक बटे दो लिखना, डी टी बटे अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा वन और एक्स स्क्वायर का जगह टी और ये टी स्क्वायर। अब ये फार्मूला किसका है, ये फार्मूला दोस्तों यहाँ पर फार्मूला ध्यान रखना
की फार्मूला यूज करेंगे 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx, जो कि फार्मूला है साइन इनवर्स x प्लस c, इस फार्मूले का रूप है। तो इस फार्मूले के अनुसार यहाँ पर x की जगह t है, तो 1 बटे 2 साइन इनवर्स t प्लस c, t का मान रख लीजिए, तो 1 बटे 2 साइन इनवर्स t, t का मान क्या है x स्क्वायर और प्लस c, और इसको दोस्तों फाइनल आंसर कर लीजिए, तो ये हो गया आपके पास फाइनल आंसर। अब देखिए चौथे का दूसरा पार्ट तुम लगा लोगे, तो x का 4 है तो उसको x स्क्वायर कर लेना और x स्क्वायर को मान लेना, तो ये फार्मूला टेन इनवर्स में 1 कह जाएगा। और तीसरे में देख लीजिए, चौथे का तीसरा में लिखा गया है 1 बटे x स्क्वायर और साइन 1 बटे x dx। अब इसमें किसको मानोगे, साइन x होता है, साइन 1 बटे x नहीं होता है, तो फिर इसको मानना पड़ेगा, वो पहले संकेत दे रहा है कि इसको मानो, तो माना 1 बाई x बराबर t, इसको ऊपर ले जाएंगे तो जगह x की घात माइनस 1 बराबर t, और जिसको मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, तो जो भी अवकलन में जो भी ध्यान देना, जो अवकलन का एक फार्मूला होता है, फार्मूला ये होता है कि x की घात n d ओवर dx का मतलब अवकलन, तो n x की घात n माइनस 1। इस फार्मूले के अनुसार यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसको n बराबर हमारे पास देखो माइनस 1 है, तो माइनस 1 को आगे कर देंगे, x की घात माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा, ये n की जगह देखो हमने माइनस 1 लिखा, ये n की जगह माइनस 1 और माइनस 1 होता ही है, और dx बराबर dt, तो ये हो गया माइनस 1 को उधर भेज देना, तो x की घात माइनस 2 बराबर dx बराबर हो जाएगा माइनस dt। इस माइनस 1 को इसके बटे में पहुँचा देंगे तो 1 का भाग लगाने पर वही रहता है, इसको नीचे ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बटे x स्क्वायर dx बराबर dt माइनस का। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान देना कि 1 बटे x स्क्वायर और ये dx, ये दोनों मिलकर क्या बना, माइनस dt बना, तो ये हो गया माइनस dt और साथ में साइन t भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन पहले हुआ साइन t dt, साइन टी का समाकलन होता है माइनस कॉस टी, तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा कॉस टी प्लस सी, तो कॉस टी का मान रख लीजिए, टी का मान क्या है, टी का मान है 1 बटे एक्स प्लस सी, और इसको दोस्तों हम लोग क्या कर लेंगे, फाइनल आंसर कर लेंगे, तो ये हो गया दोस्तों फाइनल आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर पाँचवा का तो पहला आप लोग कर लोगे, अंडर रूट एक्स है ना, क्या लिखा गया है कि sec अंडर रूट एक्स tan अंडर रूट एक्स बटे अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट एक्स बराबर टी मान लेना, और जिससे पहले अंडर रूट बराबर बताया था वैसे अंडर रूट का अवकलन क्या हो जाएगा 1 बटे 2 अंडर रूट एक्स, तो बटे वाला आ जाएगा, तो ये बन जाएगा sec t tan t, और sec t tan t समाकलन होता ही है sec t का। ठीक, कर लोगे आप लोग, और e की घात 1 बटे x, तो इसमें 1 बटे x वाले में 1 बटे x मानना, और 1 बटे x का अवकलन हो जाएगा 1 बटे x स्क्वायर माइनस dt, तो ऐसे मान रख के e की वर्ग t बन जाएगा, तो e की वर्ग t का समाकलन अवकलन वही रहता है। और तीसरे पांचवें का तीसरे में अंडर रूट x मान लेना, क्योंकि e की घात अंडर रूट x बटे अंडर रूट x है, तो अंडर रूट x को मान लेना, अंडर रूट x का अवकलन 1 बटे 2 अंडर रूट x आ जाएगा, तो आप लोग यहाँ पे अंडर रूट x की जगह t रखना, तो e की वर्ग t हो जाएगा, तो e की वर्ग t का समाकलन अवकलन वही रहता है, तो वही कर देना। ठीक है, सवाल नंबर 6 का पहला देखिए, 6 का पहला हालांकि हम लोग लगा लेते फिर भी देख लीजिए कि 6 का पहला ये लिखा गया है कि x स्क्वायर 1 प्लस x की घात 6, इसको पहले बना लो ऐसे कि x स्क्वायर dx और 1 प्लस x की घात 3 का स्क्वायर dx। अब यहां पर डबल डबल घात है तो अंदर वाले को मान लो, तो इसको जब मानेंगे हम लोग, माना x घात 3 बराबर t, और इसका रूल्स होता है कि फार्मूला ये वाला फार्मूला है, तो n बराबर यहाँ पर क्या है 3 है, तो इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो 3x घात 3 माइनस 1 dx बराबर dt, तो 3 को बटे में पहुँचा दो तो x घात 2 dx बराबर 1 बटे 3 dt। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर x स्क्वायर dx, एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह हम लोग 1 बटे 3 डी टी लिखेंगे, और बटे 1 प्लस एक्स क्यूब है तो ये होगा टी स्क्वायर। यहाँ पर दोस्तों ये फार्मूला किसका है, ये फार्मूला दोस्तों आपको बता दें कि ये जो फार्मूला है इसमें 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये फार्मूला है टेन इनवर्स एक्स का,
तो ये फार्मूला हो गया टेन इनवर्स एक्स, तो उसके अनुसार यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टेन इनवर्स टी प्लस सी एक बटे तीन। अब मान रख लीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा एक बटे तीन टेन इनवर्स टी, टी की जगह हम लोग क्या मान रखेंगे एक्स क्यूब प्लस सी, और ये दोस्तों ये हो जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर। ठीक, अब दोस्तों जो इसका सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में दोस्तों ध्यान देना कि सेकेंड पार्ट में क्या लिखा गया है। सेकेंड पार्ट में इस प्रकार से लिखा गया है कि यक्स अंडर रूट के अंदर वन माइनस नौ एक्स घात चार। ठीक है, तो इसको ऐसे बनाएंगे हम लोग, यक्स बटे अंडर रूट वन माइनस तीन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं, इसमें अंदर वाले को मान लो, तो माना तीन एक्स स्क्वायर बराबर टी, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये जगह तीन दूनी छः एक्स डी एक्स बराबर डी टू, क्योंकि तीन दूनी छः हो जाएगा ना, ये एक्स स्क्वायर का दो एक्स होता ही है, और ये तीन दूनी छः एक्स डी एक्स बराबर डी टी, तो इसको बटे में पहुँचा दो, तो एक्स डी एक्स बराबर एक बटे छः डी टी। तो यहाँ पर हम लोग एक्स डी एक्स को हटा कर लिखेंगे एक बटे छः डी टी बटे अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर, ऊपर टी हो गया। ये फार्मूला किसका है, साइन इनवर्स का फार्मूला है ये, तो एक बटे छः हो गया साइन इनवर्स टी प्लस सी, टी का मान रख लीजिए, तो एक बटे छः साइन इनवर्स टी, टी का मान क्या है तीन एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा तीन एक्स स्क्वायर प्लस सी, और इसको ही दोस्तों हम लोग क्या कर लेंगे फाइनल आंसर कर लेंगे, तो ये हो गया फाइनल आंसर। अब देखिए तीसरे का यानी छः का तीसरा नंबर में आप लोग कर लोगे ये। तीसरा नंबर फार्मूला किसका है, तीसरा नंबर फार्मूला है सेक इनवर्स एक्स का। देखो तीसरा नंबर सेम टू सेम ऐसे ही लिखा है, तो एक्स इसको जो एक्स की घात चार है इसको एक्स स्क्वायर बना के, तो ये फार्मूला किसका हो जाएगा सेक इनवर्स का। अब देखिए सातवें का पहला आप लोग आसानी से कर लोगे, सातवें का पहला में ये इस प्रकार से लिखा गया डी एक्स बटे अंडर रूट वन माइनस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। सातवें का पहला लिखा गया है, तो बी एक्स प्लस सी। अब ध्यान देना यहाँ पर फार्मूला हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, डायरेक्ट प्रत्यास्थापन विधि से नहीं हल करेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है बोर्ड एग्जाम में समय नहीं होता हमारे पास, तो इसको ऐसा हल करेंगे डी एक्स बटे अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये फार्मूला किसका होता है, साइन इनवर्स एक्स का। ठीक है, तो उस फार्मूले के अनुसार यहाँ पर देखो साइन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह क्या है बी एक्स प्लस सी, और जो भी एक्स गुणा में हो उसको बटे में लिखते हैं, तो इसको हम लोगों ने बटे में लिख दिया, किसको बी को, बी गुणा में है इसको बटे में लिख दिया, तो ये हो गया हमारे पास आंसर है सिंपल, जो भी एक्स गुणा में होगा उसको हम लोग किसमें लिखेंगे बटे में लिखेंगे, ये विदाउट प्रतिस्थापन वाला सवाल है। अब देखो सातवें का जो हम लोग करना है किसका, सातवें का दूसरा कैसे करोगे, सातवें का दूसरे में ये लिखा गया है कि एक बटे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो इसको ऐसे कर सकते हो हम लोग डी एक्स एक बटे बी स्क्वायर प्लस ए एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पर देखो इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे हम लोग, इस पहले फार्मूले का प्रयोग करेंगे, तो देखो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी है, इस फार्मूले का यूज़ करोगे तो ए बराबर हमारे पास यहाँ पर बी है, ए बराबर क्या है बी है, तो यहाँ जगह वन अपॉन देखो वन अपॉन ए होता है तो वन अपॉन बी हो जाएगा, और टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है तो एक्स का मान है ए एक्स अपॉन ए, ए का मान क्या हमारे पास बी है, लेकिन जो भी एक्स गुणा में होगा वो हमेशा किस में आ जाएगा भाग में आ जाएगा इस प्रकार से, और प्लस सी, तो ये दोस्तों हमारे पास इसका भी हो गया आंसर। फिर से एक बार समझना, इसमें हम लोगों ने इस वाले फार्मूले का प्रयोग किया, ए की जगह बी है और एक्स की जगह ए एक्स है, एक्स की जगह क्या है एक्स की जगह हमारे पास ए एक्स है, और जो भी एक्स गुणा में होता है उसको हमेशा हम लोग भाग में लिखते हैं। सातवें का
तीसरा पार्ट तो आप आसानी से कर लोगे। तीसरा पार्ट आपका कौन सा फार्मूला यूज करना, तीसरे पार्ट में आप लोग ये वाला फार्मूला यूज करना, साइन इनवर्स एक्स बटे ए का फार्मूला, नहीं एक जगह तीन का वर्ग लिख देना, जो नौ है ना नौ को तीन का वर्ग कर लेना और आप लोग आसानी से कर लोगे इसको। ठीक, सवाल नंबर आठवां देखिए, सवाल नंबर आठवां इस प्रकार से है, आठवां ये है साइन इनवर्स एक्स का क्यूब बटे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसमें एक काम कीजिए कि साइन इनवर्स एक्स को ही मान लीजिए क्योंकि उस पर क्यूब चढ़ा हुआ है, तो उसको मान लो। तो माना साइन इनवर्स एक्स बराबर टी, जिसका जिसको भी मानते हैं उसका आवकलन करते हैं, तो साइन इनवर्स एक्स का आवकलन होता है वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये डी एक्स बटे अंडर वन वन माइनस एक्स स्क्वायर डी टी बन गया और ये हो गया साइन एक्स बराबर टी माना तो ये हो गया टी क्यूब डी टी। अब इसका जब आप लोग अवकलन समाकलन करना, समाकलन में जो भी घात हो उसमें एक जोड़ देते हैं तो टी की घात चार बटे चार, वही बटे में लिखते हैं प्लस सी, टी का मान रख लो, तो टी का मान क्या है तो एक बटे चार लिखोगे, टी का मान है साइन इनवर्स एक्स और की घात चार प्लस सी, और इसको आप लोग कर लेना फाइनल आंसर, तो ये हो जाएगा आपके पास फाइनल आंसर। अब देखिए आठवें नंबर का बी पार्ट में भी आप लोग किसको मान लोगे, ए प्लस बी साइन इनवर्स एक्स है तो ए प्लस बी देख लीजिए इसका सेकेंड पार्ट भी, शायद आप लोग ना लगा पाओ, ए प्लस बी साइन इनवर्स एक्स की घात एन बटे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसमें मान लो, इसमें पूरे ऊपर वाले को मान लो, माना ए प्लस बी साइन इनवर्स एक्स बराबर टी, तो ए का जीरो हो गया तो बी और साइन इनवर्स का होता है वन अपॉन अंडर रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। बी को बी लिखा, ए का जीरो को लिखा नहीं हमने, और साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। तो यहाँ पर बी को इसके बटे में पहुँचा दो तो डी एक्स बटे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक बटे बी डी टी। तो यहाँ पर हम लोग डी एक्स बटे इसकी जगह इन दोनों को हटा कर, यानी इन दोनों को हटा कर हम लोग क्या लिखेंगे एक बटे बी, और इस पूरी का जगह लिखेंगे टी, टी की घात एन बटे कुछ नहीं, बटे कुछ नहीं लिखेंगे। अब डी टी जो भी घात होता है उसमें एक जोड़ देते हैं वही बटे में लिखते हैं, तो एक बटे यानी टी की घात हो जाएगा एन प्लस वन और बी इसके बटे में भी आ जाएगा एन प्लस वन प्लस सी। टी का मान रख लीजिए, टी का मान क्या है एक बटे बी एन प्लस वन तो लिखेंगे ही, टी का मान है ए प्लस साइन यानी बी साइन इनवर्स एक्स और इसकी घात हो जाएगा एन प्लस वन और प्लस सी, और ये हो जाएगा दोस्तों फाइनल आंसर आपके पास। तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक, अब देखिए हम लोग आठवें का दोनों पार्ट हो गए, नौ का पहला पार्ट आप लोग जब लगाओगे तो नौ का पहला पार्ट किस प्रकार से दिया गया है, इस प्रकार से दिया गया है नौ का पहले पार्ट में कि एक बटे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। अब डी एक्स इसमें इसको मान लो, माना साइन इनवर्स एक्स बराबर टी, तो साइन इनवर्स एक्स का समाकलन में अवकलन क्या होता है वन अपन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर डी एक्स और ये पूरा मिलकर डी टी बन गया और साइन इनवर्स टी क्या बन गया टी, तो ये समाकलन किसका है लॉग टी का, तो ये हो गया लॉग टी प्लस सी। तो जगह लॉग टी का मान क्या है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, और ये दोस्तों आपका फाइनल आंसर हो गया, ये हो गया फाइनल आंसर। अब देखिए नौवें का दूसरा में क्या लिखा गया है, नौवें का दूसरा इस प्रकार से लिखा गया है कि एक्स टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर, एक्स टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर बटे वन प्लस एक्स घात चार। इसमें दोस्तों पूरे को मान लो, तो माना टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर बराबर टी,
टेन इनवर्स का जब आकलन करेंगे तो टेन इनवर्स का आकलन होता है 1/1 + x²। अब x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर लिखा है तो उसका होल स्क्वायर, और इनटू x स्क्वायर का आकलन होता है 2x dx बराबर dt, दो को इसके बटे में पहुंचा दो तो x dx बटे 1 + ये जो x की घात 4 बराबर 1/2 dt। तो इनके जगह पर हम लोग x और ये पूरा x dx और 1 + x² ये पूरा हटकर 1/2 dt लिखेंगे, और ये पूरा का पूरा बन गया 10 x² क्या बन गया t बन गया ये, तो ये होगा t dt, और ये हो जाएगा 1/2 t^2, क्योंकि समाकलन करेंगे तो जोड़ देंगे प्लस c, समाकलन करेंगे जो भी घात उसमें एक जोड़ देंगे वही बटे में लिखेंगे, तो ये हो गया 1/2 × 4, और t का मान रख लेंगे, t का मान क्या है हमारे पास, t का मान है tan इनवर्स x² का होल स्क्वायर प्लस c। और इस प्रकार दोस्तों इसको हम लोगों ने आंसर में कर लेंगे फाइनल आंसर। अब दोस्तों जो आपके क्वेश्चन नंबर 10 है, तो क्वेश्चन नंबर 10 से पहले दोस्तों आप लोग थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिए, इतने को हम लोग रेस करने जा रहे हैं। अब देखिए दसवें का पहला इस प्रकार से आपके इसमें लिखा गया है कि sin²x / cos^4x। कभी भी दोस्तों अगर नीचे अगर सिंगल हरो हमेशा उसको अलग अलग किया जाता है, तो इसको अलग अलग करोगे कैसे, अलग अलग करोगे इसको ऐसे करोगे sin²x / cos²x और cos²x, क्योंकि गुणा खाते हैं जुड़ती है दो बार कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/cos²x, ये हो गया sin²x, और sin/cos ये होता है tan²x, तो एक बार tan²x dx। यहाँ पर मान लो tan x बराबर t मान लो, क्योंकि tan x का जब हम लोग मानेंगे कि माना tan x बराबर t, तो tan x का अवकलन होता है sin²x dx / dt। तो यहाँ पर जो sin²x और ये dx है ये दोनों मिलकर क्या बन गया, dt बना, और ये बना t², तो t²dt, समाकलन कर दो तो t³/3 + c, क्योंकि जो भी घात उसमें एक जोड़ दो बटे में लिख दो, t का मान क्या है tan x है, तो tan³x/3, ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक, अब देखिए दसवें का दूसरा पार्ट तो आप लोग लगा लोगे, दूसरा पार्ट जो आपके पास x का 4 है इसको x स्क्वायर बना लेना और x स्क्वायर को मान लेना, तो 2x आ जाएगा, 2 को बटे पहुंचा देना तो x dx ऊपर वाला, तो ये फार्मूला बन जाएगा, ये वाला फार्मूला बन जाएगा sin इनवर्स का, तो sin इनवर्स t/a आ जाएगा, t की जगह आप लोग x स्क्वायर रख देना आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर देखो दसवें का तीसरे में ये लिखा गया है कि tan x log sec x प्लस c अभी नहीं dx। अब इसमें एक काम कीजिए, इतने को मान लो, तो माना log sec x बराबर t, अब ध्यान देना log x का अवकलन होता है 1/x, तो उस पर उसी के अनुसार ये हो जाएगा 1/x, तो x की जगह क्या है sec x, इंटू sec x का जो अवकलन होता है ये होता है sec x tan x dx बराबर dt, तो sec x कैंसिल हो गया, तो ये क्या बच्चा tan x dx बराबर dt। तो यहाँ पर tan x और dx इतना क्या बना dt बना, और log ये बन गया t बन गया, तो ये बना t dt, तो ये हो जाएगा t²/2, समाकलन हो जाएगा प्लस c, t का मान रख लो, t का मान log sec x, तो हो जाएगा log sec x का होल स्क्वायर प्लस c बटे 2, और ये दोस्तों आप लोगों का ये हो गया फाइनल आंसर। अब दोस्तों जो भी क्वेश्चन एक जो छूटे हुए हैं या आपके बुक से आउट है या आपके बुक में है इसमें नहीं है, तो उसके लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना, और जितने भी आप लोगों का जो अपने क्वेश्चन आपको जो रिपीट क्वेश्चन यानी जो मैच क्वेश्चन है वो जो हम लोग छोड़ दिया उसको जरूर अभ्यास करना ना आए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना, मैं इसको जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। और चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।